तो हमारी बस एकदम हमारे सामने आके रुक चुकी है। तो चलिए गाइस, अभी हम अपनी बस के अंदर में चलकर बैठ जाते हैं एंड फिर इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो ये देखो गाइस, ये अभी मैं आ चुका हूँ अपनी बस के अंदर में। सो हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स आईटीएस हियर बैक विद अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में तुम दोबारा से देखने वाले हो लाइफ ऑफ गार्ड। और अभी तुम देख पा रहे हो मैं अपनी सोसाइटी से निकला हूँ एंड यहाँ पर एक बस स्टॉप था गाइस। तो बस स्टॉप पे मैंने थोड़ी बहुत यहाँ पर वेट किया एंड उसके बाद हमारी बस आ चुकी थी। एंड अभी तो तुम देख ही सकते हो भाई, एकदम मस्त में हम बस के अंदर बैठे हुए हैं एंड हमारे जो ड्राइवर है उन्होंने बस चला भी दिए यार हॉर्न बजा के। तुमने नोटिस किया होगा कि नहीं भाई, पता नहीं यार, वो तो तुम्हारे ऊपर है। एंड हाईवे पे अब ये जो दौड़ाने वाले ना गाइस, मतलब तुम्हें मजा ही आ जाना है। बस ये जो ट्रैक साउंड्स आ रहे हैं ना बैकग्राउंड में यार, वो मतलब इग्नोर करो यार थोड़ा। और ये किसकी सोसाइटी थी गाइस, ये तो मुझे नहीं पता। और ये देखो ऑन द लेन एकदम हाईवे पे दौड़ाई जा रही है बस यार, मजा आ रहा है कि नहीं बताओ यार, जल्दी बताओ कमेंट्स में यार, मुझे तो बहुत ही ज्यादा आ रहा है यार। और अगर आपको इतना अच्छा मजा आ रहा है ना, तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर से ठोक दो भाई वीडियो के स्टार्टिंग में ही। और यहाँ पर थोड़ा बहुत हम जो कैमरा एंगल है गाइस वो चेंज कर रहे हैं यहाँ पर। एंड ये एकदम हम सामने वाले पोर्शन में आ चुके हैं। एंड अभी जो हाईवे के ऊपर में जाने वाली है ना हमारी बस, वो अभी तो मैं एक मतलब रोड दिखाई दे रही हूँ जो ऊपर जा रही है गाइस। तो अभी हम उसके ऊपर जाने वाले, तब सोचो कितना मजा आने वाला है भाई। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं भाई एकदम एक्साइटिंग वाली जर्नी को। और मुझे रेलवे स्टेशन भी पहुंचना है भाई टाइम पे, वरना मेरी नौकरी के तो भाई लग जाएंगे गाइस, समझ जाओ यार तुम। और ये देखो भाई यहाँ पर ये जो रोड है गाइस, अभी हम इसके ऊपर में जाने वाले हैं। बस तुम वो देखना भाई, ये नई चीज है गाइस, ये तुमने कहीं पर भी नहीं देखी होगी यार आजकल। मतलब आजकल क्या यार, मतलब आज तक कहीं पर भी नहीं देखा होगा यार तुमने। ये देखो अभी हम कैसे गाइस इस हाईवे के ऊपर में जा रहे हैं यार। इस वाले सीन के लिए जरूर से लाइक ठोक देना यार, ये सीन तो तुम्हें कोई नहीं दिखा पाएगा गाइस, जरूर से ठोक देना भाई इसके लिए लाइक। तो गाइस अभी थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज करते हैं एंड अब मैं तुमसे मिलता हूँ भाई सीधा रेलवे स्टेशन, और हमारा जो गार्ड वाला कोच है सीधा उसके अंदर में मिलने वाला हूँ भाई। देखा यार, हमारी और तुम्हारी 2 मिनट बाद फिर से मुलाकात हो गई। तो गाइस अभी हम अपने कोच में आ चुके हैं एंड यहाँ पर रेड और ग्रीन फ्लैग मेरे लिए तैयार रखा है कि जैसे इसका डिपार्चर हो मैं तुरंत यार जो रेड और ग्रीन फ्लैग है गाइस उसे लेकर तैयार हो जाऊँ। और हाँ गाइस, अभी तो यार मतलब सिग्नल वगैरह मिला नहीं है हमारे ड्राइवर साहब को, मतलब लोको पायलट बोलते हैं भाई वो, तो बस वाले ड्राइवर को हम ड्राइवर कह सकते हैं, बट जो ट्रेन के ड्राइवर होते हैं उनको हम कहते हैं लोको पायलट, क्योंकि वो लोको को ऑपरेट करते हैं। और ये देखो यहाँ पर बस सिग्नल मिलने वाला है गाइस, तो देखते हैं हमारे जो मतलब मैंने तो भाई सिग्नल पास कर दिया है मुझे कि हाँ अब अपनी ट्रेन चलने वाली है, तो मुझे तो पता लग गया गाइस, इसीलिए मैं वो आप तक खबर पहुंचा रहा हूँ। अब देखते हैं जो हमारा लोकोमोटिव है वो कब तक हॉर्न वगैरह बजाता है। भाई यार WDM3 है यार, तू तो बहुत तेज हो रहा है भाई, देख रहे हो गाइस जैसे ही मैंने बोला यार हॉर्न बजाने के लिए उसने तुरंत बजा दिया यार, मतलब ये भी आजकल काफी तेज हो रहे हैं यार। और यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर तुम्हें लैग देखने को मिले इस गेम में तो भाई तुम्हें पता है क्या करना है गाइस, तुम्हें इग्नोर करना है यार, तुम बहुत ही चीजें नोटिस करते हो। एंड यहाँ पर ब्रेकिंग के जो रिलीज वाले साउंड है गाइस वो भी आ रहा होगा तुम्हें। एंड फाइनली हमारी ट्रेन अमृतसर जंक्शन से डिपार्ट कर चुकी है एंड जो गार्ड की भूमिका एकदम अच्छे से हम निभाने वाले हैं आज इस गेम में। और देखते हैं भाई आज हमें कौन कौन सी स्पेशल ट्रेन हमें क्रॉस करके जाती है एंड हम किसी ट्रेन को ओवरटेक करेंगे या फिर हमारा ओवरटेक करता है कि नहीं, भाई ये सब तुम्हें आगे चल के पता लगने वाला है। फिलहाल तो हमारा एल्को लोकोमोटिव बिना किसी डर के भाई इतना तेज तेज हॉर्न मार रहा है ना गाइस, मजा ही आ रहा है यार, बताओ कैसे लग रही भाई वीडियो। भाई यार एकदम से मैंने चिल्ला ही दिया गाइस, उसके लिए सॉरी यार, बट तुम जरूर से बताया करो कॉमेंट्स में यार वीडियो कैसी लगती है। बट यार मुझे चिल्लाना ही पड़ रहा है गाइस, ये जो एल्को लोकोमोटिव है गाइस ये तो बात ही नहीं करने दे रहे यार तुमसे, मतलब इनकी और मेरी अलग दुश्मनी चल रही है भाई, कि थोड़ी देर तुम शांत हो तब मैं आप लोगों से बात करूं यार। भाई यार ऐसे तो मत करो यार, एल्को लोकोमोटिव बहुत हो गया यार, तेरा भी आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहा है गाइस, इसको समझाते क्यों नहीं भाई आप लोग। और यहाँ पर अभी थोड़ा सा हम लेफ्ट साइड में आ चुके हैं जो कि प्लेटफॉर्म वाला साइड है एंड अभी देखते हैं भाई यहाँ पर आगे चल के हमें कौन कौन सी ट्रेन क्रॉस करके जाने वाली, क्योंकि तुम्हें पता है मेरी जो भी वीडियोस रहती है तुम्हें कितने ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ मैं कोशिश करता हूँ कि तो मैं जो पैरेलल रन है गाइस वो भी दिखा दिया करूँ। तो अभी मतलब आगे चल के यार तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग सा जरूर सा मैं ऐसा दिखाने की कोशिश करूंगा, बट यार इनको चुप करा लो गाइस, बहुत हो रहा है भाई इनका। अभी मैं गाइस ये गार्ड की ड्यूटी छोड़ छाड़ के यार भाग जाऊंगा यहाँ से अगर इनका ज्यादा ही हुआ तो। यार बात ही नहीं करने दे रहे यार, ऐसे तो नहीं चलेगा। और ये देखो यहाँ पर कुछ आंटियाँ बैठी हैं, बाय बाय आंटी जी। तो गाइस इनको आप लोग भी बाय कह देना यार, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कह दिया होगा।
एंड यहाँ पर जो ट्रैक साउंड है वो भी शुरू हो चुका है। काफी अच्छी बात है भाई, काफी जो अच्छे अच्छे ट्रैक साउंड है वो आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। एंड यहाँ पर जो हमारा कोच है गाइस वो भी थोड़ा चेकिंग कर रहा है। एंड जो तुम्हें आज की इस वीडियो में नजारा देखने को मिलने वाला है ना गाइस, मतलब तुम भी कहोगे यार मौज करा दी भाई तुमने आईडियल जी। तो गाइस जरूर से आप लोग वीडियो एंड तक जरूर से देखना। बार बार मैं तुमसे कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अभी जो आउटर में क्रॉसिंग होने वाली है ना उसके चक्कर में भाई मेरा गेम एक तरह से मतलब लैग ही हो गया था, इतना ज्यादा लैग कर रहा था। बट थोड़ा सा मतलब इग्नोर कर लेना यार, वो वीडियो में मैं सही कर दूंगा वो लैग जितना कर पाऊंगा मैं। एंड यहाँ पर तुम सामने में देख पा रहे हो, यहाँ पर हमारी ट्रेन स्पीड पकड़ रही है एंड सामने में हमारा मतलब ट्रैक चेंज होने वाला है गाइस। और अभी तो मैं सामने में इतना ही कुछ नहीं कहता, अभी सामने में ना बहुत ही ज़्यादा कुछ देखने वाला है, मतलब देखने को मिलने वाला है। वैसे मैंने कितनी बार यहाँ पर सामने बोल दिया गाइस मुझे भी नहीं पता यार। और वो देखो अभी तो मैं एक ट्रेन दिखाई दे रही है जो कि रुकी हुई है, अभी थोड़ी देर में देखना गाइस वो हमसे एकदम पैरेलल रेस चलेगी उसकी और हमारे एकदम साथ में। एंड वो जो ट्रेन है मैं तुम्हें बता दूँ गाइस, वो जाती है अमृतसर से जालंधर के बीच में जो डेमू लोकल ट्रेन चलती है गाइस वो थी ये। एंड यहाँ पर देखो यार एक WDG 4D के साथ में, यहाँ पर WDG 4D लुधियाना साइड के साथ में कोई मालगाड़ी यहाँ पर अमृतसर जंक्शन पे एंटर कर रही है। ये देखो भाई इसके जो रेक्स है काफी रियलिस्टिक लग रहे हैं। वैसे ये बांग्लादेश ट्रेन के मॉडल्स हैं, मैं तुम्हें बता दूँ यार इस पर तुम देख पा रहे हो BR लिखा हो यानी कि बांग्लादेश रेलवे। मैं चाहता तो भाई मतलब TLW के भी यूज कर सकता था बट मैंने सोचा क्यों ना भाई कुछ नया यूज किया जाए यार। तो जरूर से बताना मुझे कैसा लग रहा है। एंड उनका जो फेसबुक का पेज का लिंक है भाई वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैंने उनसे परमिशन लिया है गाइस उनके मॉडल्स को यूज करने का। तो बताना भाई कैसा लग रहा है आपको। तो जल्दी से आप लोग ये देख लो ये वाली क्रॉसिंग एंड बता भी देना कमेंट करके ये क्रॉसिंग तुम्हें कैसी लगी। एंड अभी है जो हमारा लोकोमोटिव है गाइस वो थोड़ा थोड़ा एक्सेलरेशन चालू कर रहा है। एंड अभी हमारी ट्रेन पूरी तरीके से मतलब मेन लाइन पर तो आई नहीं है, अभी आगे थोड़ा बहुत ट्रैक चेंज होगा। एंड इसका कैबोस कैसा लगा यार, उसके आगे में यार वो येलो कलर का क्या था गाइस, आप लोगों ने यार मतलब नोटिस किया कि नहीं यार, मतलब उसके मतलब कैबोस के आगे कुछ लगा हुआ था यार, मैंने तो ध्यान नहीं दिया। एंड वो देखो यार वो ट्रेन मतलब अभी चल चुकी है गाइस, मतलब कुछ देर पहले तो वो ट्रेन खड़ी हुई थी बट अभी देखो यार दोबारा से उसने स्पीड पकड़ी है। एंड यहाँ से व्यू कितना अच्छा रहा है, मतलब साइड में देखो यार ट्रैक्स है उसके ऊपर मतलब जो ग्रासेस होती हैं वो भी हैं जैसा कि रियल वर्ल्ड में होता है। एंड वो देखो भाई अभी जो हमारी ट्रेन है गाइस वो थोड़ी थोड़ी मतलब स्पीड पकड़ रही है एंड उसके पास में जाने की एकदम कोशिश कर रही है। और उसका धुआं देखो गाइस ऊपर में जो उसका स्मोक का एनिमेशन है गाइस वो देखो यार कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है यार, वो देखो उसका स्मोक का एनिमेशन काफ़ी हद तक रियलिस्टिक है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें पसंद आ रहा होगा, अब भी तुम देख पा रहे हो उसका स्मोक का एनिमेशन। एंड अभी फाइनली हमारी ट्रेन थोड़ा सा उसके आगे निकलने की कोशिश कर रही है। तो अभी आप लोग देख लो कि दोनों ट्रेन भाई एकदम साथ साथ में चल रही हैं। एंड अभी जो हमारा ट्रेन है गाइस वो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड है यार इससे, हमारा ट्रेन थोड़ा सा आगे निकल रहा है इससे। और ये जो मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में वीडियो के, ये जो डेमू लोकल ट्रेन है गाइस ये जालंधर से अमृतसर के बीच में चलती है जो कि अभी हमसे मतलब रेस लगाने के मूड में है। बट ये जानती नहीं भाई कि मतलब भैया कि ये हमें अच्छे से जानती नहीं है गाइस कि हम क्या हैं यार। अरे भाई अरे यार बेइज्जती हो गई यार, देखो यार जैसे ही मैंने ये मतलब शब्द बोले हैं मुंह से भाई इसने तो यार बाजी मार ली यार, ये हमसे थोड़ा सा आगे निकल रहे गाइस तो इसको सबक सिखाना पड़ेगा क्या गाइस, क्या कहते हो यार, थोड़ा सा बोले यार लोगों को फ्रेंड्स आपको कि स्पीड इंक्रीज करो यार। चलो गाइस बोल ही देते हैं यार, तुम भी क्या याद रखोगे। तो चलिए गाइस मैंने थोड़ा सा लोगों को फ्रेंड्स आपको बोला यार स्पीड को इंक्रीज करने का, होपफुली आप वो मेरा बात मानेंगे जल्दी से। और ये साइड से किसी ट्रेन का क्रॉसिंग चल रहा है ये देखो यार, और ये आई थिंक एक एल्को लोकोमोटिव के साथ में है ये ट्रेन जो भी हमें साइड से क्रॉस करके जा रही है। एंड इस ट्रेन की बात कर रहा था मैं, तो भाई दोनों ट्रेन गाइस देखो यार तीन तीन क्रॉसिंग चल रहा है भाई, मतलब तीन ट्रैक्स यहाँ पर है एंड तीनों पे भाई ट्रेन थी। अभी वो ख़त्म हो चुकी है, रुको मैं तुम्हें पीछे से दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, अरे यार मेरा कैमरा एंगल थोड़ा हिल गया था गाइस। ये देखो गाइस वो जो ट्रेन है गाइस वो सामने की ओर जा रही है अमृतसर जंक्शन पे, अभी उसको एंटर करवाया जाएगा थोड़ी देर में, होपफुली उसको आउटर में ना रोका जाए। और यहाँ पर ऊपर से एक हाईवे गुजरा है और ये देखो भाई जैसा कि मैंने कहा था भाई, मैंने लोको पैड को बोल दिया कि स्पीड इंक्रीज करो यार थोड़ा, ये डेमू लोको पैड हमें ओवरटेक कर रही थी तो उन्होंने यार मेरी बात अच्छे से सुन ली है। एंड अभी हमारी ट्रेन यार ओवरटेक कर रही है इसे, और देखते हैं भाई ये जो ओवरटेक है मतलब ये पूरी तरीके से अब कर पाएगी कि नहीं यार, क्योंकि कभी तो यार ये आगे जा रही है तो कभी हम आगे जा रहे हैं। भाई ऐसे मत करो यार, अगर ओवरटेक करना है तो कर ही दो यार एक बार में। एंड ये देखिए आप लोग इसका
जो सामने का इंजन है ये देख लो, उस पर भी लिखा हुआ है जालंधर, एंड इस पर लिखा हुआ है गाइस, तो ये जालंधर को जा रही है। और काफ़ी रियलिस्टिक मॉडल्स बनाते हैं दी लर्निंग वेज, ये उन्हीं के मॉडल्स हैं। और जो हमारा गार्ड वाला कोच है गाइस, ये भी उन्हीं का मॉडल है। तो अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप लोग जाइए और जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। और अभी थोड़ा सा स्पीड हमारा डिक्रीज हुआ है, बट ऐसा क्यों यार मुझे तो नहीं पता। एंड अभी देखो यार धीरे धीरे फिर से वो आ रही यार हमारे पास। भाई यार अब मत करो यार, रेस बहुत हो गया यार। एंड वो देखो उसके जो ट्रैक्स हैं इसमें मतलब दूसरी साइड को चले गए यार, तो लगता है भाई ये रेस यहीं तक थी। एंड अभी ये रेस हो चुकी है ख़त्म, तो चले गए अभी थोड़ा सा अपने कोच के अंदर में चलते हैं, क्योंकि अब बाहर से यार काफ़ी नज़ारा इन्जॉय कर लिया, अब थोड़ा सा इंटीरियर व्यू से भी इन्जॉय कर लो। एंड ये वाला तो पोर्शन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हद तक मुझे ये विस्टाडोम वाला कोच का जो फीलिंग है वो देता है यार। वैसे यार उसका जो मतलब विंडो का ग्लास रहता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता है यार। और ये भाई तो ये तो मतलब उसके मुकाबले कुछ भी नहीं, यहाँ से तो एक छोटा सा मतलब आप लोग देख ही पा रहे हो, छोटा सा गैप है यार जिससे कि हम बाहर का जो व्यू है वो एंजॉय कर सकें। वाह यार ये जो एल्को लोकोमोटिव का चगिंग साउंड आ रहा है, जरा उस पर ध्यान दो गाइस, कितना बढ़िया लग रहा था। एंड अभी भी तुम सुनते जाओ। अभी साइड वाले ट्रैक्स में मतलब कोई भी ट्रेन हमें दिखाई नहीं दे रही है, क्या पता आगे से मतलब कोई ट्रेन आ रही हो। एंड वो देखो कोई तो ट्रेन आ रही है गाइस, यहाँ से मुझे यार कोई लोकोमोटिव तो ज़रूर से दिखाई दे रहा है, तो देखते हैं कौन सी ट्रेन है। मैं काम कर रहा हूँ बस, मैं थोड़ी सा जो अंदर से नज़ारा है वो दिखा देता हूँ। ये देखो भाई ये किसी EMD लोकोमोटिव के साथ में कोई ICF 3 ट्रेन है, जिससे कि अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, एकदम अच्छी खासी रफ्तार है हमारी। एंड उस ट्रेन की भी लगभग अच्छी खासी रफ्तार है, तो दोनों ट्रेन यार स्पीडी एक्शन में क्रॉस कर रहे हैं दूसरे को, इससे ज़्यादा बेस्ट नज़ारा क्या हो सकता है भाई तुम्हारे लिए। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वाला क्रॉसिंग पसंद आया होगा। एंड अगर आया तो अभी तक आपने लाइक नहीं ठोका तो यार इस वाले सीन को देखने के बाद ज़रूर से ठोक देना। एंड पीछे में देखो यार कितने ढेर सारे साइड में बिल्डिंग्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, इवन जो खेत वगैरह हैं वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि हमारे इंडियन रेलवेज के साइड में जो भी मतलब रियर रोड में होता है गाइस, वैसा ही मैंने कुछ बनाने का कोशिश किया इस रूट में भी, होपफुली आपको पसंद आए। एंड देखते हैं भाई हमारा नेक्स्ट हॉल्ट कब तक आता है यार, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मतलब वक्त बीत चुका है हमें अमृतसर जंक्शन को लीव करे हुए, तो देखना पड़ेगा नेक्स्ट हॉल्ट हमारा कब तक यहाँ से आता है। एंड साउंड सुनो गाइस, जो लोकोमोटिव का साउंड है गाइस वो मुझे मतलब एकदम पीछे तक आ रहा है यार, ये मुझे बात नहीं समझ में आ रही, बट जो भी कहो यार साउंड तो आ रहा है ना गाइस, मज़ा ही आ रहा है। और ये देखो यहाँ से कोई छोटा मोटा सा रिवर हमने क्रॉस किया है, एंड साइड के ट्रैक सिग्नल मैंने कुछ देर पहले तुम्हें दिखाया था जो कि येलो था यार, अब वो येलो क्यों है भाई ये तो मुझे नहीं पता। होपफुली सामने से लगता है कोई ट्रेन आने वाली हो, जिसको कि अभी धीरे धीरे क्लियर दिया जा रहा हो। एंड यहाँ पर डबल येलो था शायद, हाँ यार मुझे जो यहाँ पर लगा डबल येलो सिग्नल था। और ये अपनी स्पीड को क्या हो गया गाइस, मतलब ये हमारी ट्रेन इतनी ज़्यादा स्लो क्यों हो गई भाई, अभी तो 110 किलोमीटर पर आर के रफ्तार में तुम्हें दौड़ाना है भाई WDM 3A, क्या कर रहे हो यार, अभी तो तुझे जाना है भाई 110 के पार, तो अभी से कैसा हाल है भाई तेरा। एंड यहाँ पर कोई आई थिंक हाईवे वगैरह गुजरा है हमारे सामने से, जिसके ऊपर से मतलब हाईवे वगैरह गुजरा हमारे ऊपर से, ये देखो यार ये मतलब एक ओवर ब्रिज देख लो यार, ये देखिए गाइस यहाँ पर मतलब एक हाईवे टाइप का कुछ बना के रखा गया है, होपफुली रियल वर्ल्ड में भी ऐसा होता हो। एंड दोबारा से एक्साइटेशन के जो साउंड है गाइस वो सुनो यार, और ये देखो भाई कितना बढ़िया साउंड आया गैस यहाँ पर, जो एक्सेलरेशन का एल्कोलोकोमेटिव का चगिंग साउंड होता है गैस, वो आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं यार, मुझे मैंने तो किया यार, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। एंड यहाँ पर लगता है भाई कोई सिटी वगैरह में हम एंटर करने वाले हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर दूर में मतलब बड़ी बड़ी यार बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, तो लगता है किसी स्टेशन पर अभी हमारी ट्रेन अप्रोच करने वाली है। तो मुझे खबर दे दिया भाई लोको प्लेट साहब ने कि यहाँ पर हमारा हॉल्ट है, एंड यहाँ पर हमारा अभी ट्रैक चेंज करवाने वाले हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा जो लेफ्ट साइड होता है गैस वहाँ पर आ चुका हूँ, तुम देख पा रहे होगे, जिससे कि जो लोग ट्रैक चेंज का नज़ारा है गैस वो मैं अच्छे से दिखा पाऊँ यार तुम्हें। एंड वो देखो यार कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर,
साइड में कुछ पेड़ पौधे भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पर जो बर्ड्स का साउंड है गाइस वो भी आ रहा है, काफी हद तक रियलिस्टिक लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई हम सही में कोई मतलब आउटर वाले जो छोटे मोटे से स्टेशन होते हैं यार वहां पर एंटर करने वाले हैं, तो मुझे तो काफी हद तक वैसा लग रहा है। एंड अभी भी साइकिल ट्रैक का जो सिग्नल है वो ग्रीन है, तो ऐसी कौन सी ट्रेन है भाई जिसके लिए मतलब इतना ज्यादा क्लियरेंस दे के रखा है ट्रेन को। होपफुली कोई प्रीमियम ट्रेन ही आने वाली है हमें क्रॉस करने के लिए। एंड यहाँ पर स्टॉप करे यार, इस पर लिखा हुआ है स्टॉप, काफी हद तक ये भी होता है हमारे इंडियन रेलवे में, रियलिस्टिक भी लगता है यार। एंड यहाँ पर तुम ट्रैक चेंज का नजारा थोड़ा सा एंजॉय कर लो। अभी जो हमारी ट्रेन है गाइस वो मतलब पूरी तरह से ट्रैक चेंज कर रही है, तो अभी हम थोड़ी देर बाद जैसे ही हमारा पूछे पहले पीछे वाला जो SLR कोच है गाइस वो मतलब पूरा हमारा प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, तब हम अपने लोको पायलट साहब को इन्फॉर्म कर देंगे कि हाँ भाई हमारी पूरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है, अब अगर आपको ब्रेकिंग करनी है तो आप कर लीजिए। तो ये इन्फॉर्मेशन अभी हम देंगे। वैसे तो अभी हमारा साइड वाला प्लेटफॉर्म कहाँ है यार, देखना पड़ेगा। अरे अभी भी नहीं आया क्या यार? हाँ अब आ गया यार। तो चलो भाई लोको पायलट साहब जी यार पूरी ट्रेन आ चुकी है यार, ब्रेक्स लगा दो। ये देखो गाइस यहाँ पर मेरी बात उन्होंने मान ली है एंड सक्सेसफुली हमारी ट्रेन मानन वाला प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म नंबर आई थिंक 2 है, तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आके रुक चुकी है। एंड देखते हैं भाई अभी हमें कब तक क्लियरेंस वगैरह मिलता है, तो देखते हैं गाइस अभी हमें यहाँ पर कब तक क्लियरेंस वगैरह मिलता है। अरे यार हमारे लोको पायलट सामने यार मतलब ग्रीन सिग्नल दिखते ही उन्होंने हॉर्न बजा दिया एंड उन्होंने मुझे नहीं बताया कि भाई सिग्नल मिल चुका है, हम कर रहे हैं डिपार्ट। अरे यार ये लापरवाही तो मत करो यार, मतलब गाइस देखा यार तुमने ये लापरवाही कर दी यार लोको पायलट साहब ने हमारे साथ। चलो कोई ना यार ये सब तो होता रहता है। एंड अभी हमारी ट्रेन मतलब धीरे धीरे एक्सेलरेशन चालू कर रही है, इसका जो WDM3 है यार अभी तुम्हें जो साउंड्स है गाइस वो आने लगेंगी, तो होपफुली अब तुमको साउंड्स आ रहा होगा। भाई इन्होंने ना गाइस मतलब जो चगिंग का साउंड है यार वो सुनने नहीं देना यार, इतना ज्यादा आज हॉकिंग के मोड में लग रहे हैं हमारे WDM3 है भाई साहब यार, इनके मतलब कोई जवाब ही नहीं है यार। एंड अभी तक मुझे पता नहीं लगा वो जो ट्रेन है गाइस वो कब तक आएगी जो कि हमें क्रॉस करने वाली है, जिसके लिए पूरा ग्रीन सिग्नल था गाइस एकदम दूर दूर तक, तो भाई वो ट्रेन कहाँ रह गई यार, मतलब काफी यार मतलब उसके लिए इतना ग्रीन सिग्नल करके रखा है फिर भी वो आवभाव खा रही है यार कि मैंने नहीं आना यार। और ये देखो भाई फाइनली वो आ चुकी है यार, मुझे यहाँ से दिखाई तो दे रही है यार, थोड़ा सा अंदर में चलते हैं गाइस एंड फिर ये जो क्रॉसिंग है ये एंजॉय करते हैं। ये देखो यहाँ से एंजॉय करते हैं गाइस, यहाँ से काफी अच्छा व्यू मिलेगा। ये देखो Wire 7G के साथ में कोई LHB ट्रेन है, LHB सुपर फास्ट एक्सप्रेस मुझे लग रही है ये, जो कि अमृतसर जंक्शन की ओर बहुत ही ज्यादा तेजी से जा रही है। एंड इसके जो सिग्नल है होपफुली तुमने देखा होगा सामने में कि पूरे ग्रीन एंड येलो थे, तो इसको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अब ऐसा लग रहा है भाई इसे डायरेक्ट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही रुकवाएंगे अमृतसर जंक्शन के, क्योंकि इसकी स्पीड देखो एंड प्रायोरिटी तो यार टॉप नॉच होने वाली है उस ट्रेन की, क्योंकि वो एक मतलब सुपर फास्ट एक्सप्रेस या फिर कोई भी हो सकती है गाइस ट्रेन। एंड यहाँ से जो हमारा साउंड है गाइस वो सुनो एल्को लोकोमेट का, काफी ज्यादा हद तक रियलिस्टिक लग रहा है। एंड ये देखो ये ट्रैक्स पे घास उगाया था एंड फाइनली वो ट्रैक भी एंड हो चुकी है। एंड अभी तो हमारा ट्रैक्स है एंड हमारे साइड वाला ट्रैक्स है, एंड इसके अलावा यहाँ पर और कोई भी ट्रैक्स मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो होपफुली अब थोड़ा सा स्पीडी एक्शन आपको देखने को मिले यहाँ पर। और ये देखो भाई यहाँ पर एक लेवल क्रॉसिंग थी जहाँ पर एक मतलब व्हीकल वगैरह वेट कर रही थी हमारी ट्रेन का, और यहाँ पर देखो गेटमैन साहब ने हमें ग्रीन फ्लैग दिखा दिया भाई, काफी अच्छी बात है यार। मेरे लोको पायलट ने यार मतलब मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया भाई कि गेटमैन साहब खड़े हैं, आप भी उन्हें ग्रीन फ्लैग दिखा दो यार। अरे यार मतलब इतनी गलती हुई है गाइस आज की जर्नी में मेरे से यार, वो थोड़ा सा इग्नोर कर लेना आप लोग। एंड सामने में धुआं देखो हमारे लोकोमोटिव का यार, काफी हद तक रियलिस्टिक लग रहा है। एंड चगिंग साउंड देखो गाइस, मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा चगिंग साउंड एंजॉय करो।
तो बताइए गाइस, आ रही है ना आप लोगों की एकदम रियल वर्ड वाली फीलिंग? और अगर आ रही है तो भाई एक लाइक ज़रूर से ठोक देना इस वीडियो पे। एंड अभी हम थोड़ा सा जो राइट साइड वाला व्यू है उस पर आ चुके हैं एंड देख रहे हैं कि भाई हमें कोई ट्रेन यहाँ पर अब क्रॉस करेगी कि नहीं यार, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका है एंड मैं वेट ही कर रहा हूँ कि कोई ट्रेन आती है, मैं क्रॉस करती है। वैसे साइड के ट्रैक सिग्नल हो चुका है डबल येलो, तो होपफुली हमें कोई ट्रेन आके जल्दी से ही क्रॉस करे। वेट करते हैं भाई कब तक आती है। और ये देखो यहाँ पर भी गेटमैन साहब ने हमें ग्रीन फ्लैग दिखाया है एंड होपफुली हम किसी स्टेशन को मारने वाले हैं इसकी पैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि जब भी कोई स्टेशन आने वाला होता है इसके मतलब थोड़ा देर पहले यार कोई तो मतलब रोड वगैरह होती है भाई, तो मुझे लग रहा है भाई मतलब कोई तो मतलब स्टेशन को हम स्किप करने वाले हैं, ऐसा मुझे बस लग रहा है। क्या पता यार हमारा जो मतलब लगना है यार वो एकदम सही में बदल जाए। एंड आप लोग देख लो, अरे भाई साइड के ट्रैक सिग्नल हो चुका है ग्रीन, तो होपफुली बहुत ही जल्दी कोई ट्रेन आती है एंड हमें क्रॉस करती है, ऐसा मुझे बस लग रहा है गाइस। एंड मैं इस साइड का नज़ारा की बात कर रहा था, तो यहाँ पर देखो कितनी बिल्डिंग्स है। अरे यार इस साइड मतलब मैं क्यों आया यार, मुझे अब वो लग रहा है गाइस, मतलब बुरा लग रहा है यार मैं इस साइड क्यों आया यार। अगर मैं इस साइड ना आता तो मैं जो ये शताब्दी एक्सप्रेस का क्रॉसिंग चला है ये मैं दिखा दे पाता है भाई। ये न्यू दिल्ली से अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस जो कि हमें क्रॉस करके गई है एंड मैं उन्हीं बिल्डिंग्स के चक्कर में भाई इतनी बढ़िया वाली क्रॉसिंग मिस कर गया। एंड यहाँ पर थोड़ा बहुत ओवर स्पीडिंग हो रही है भाई, मतलब खबर लेनी पड़ेगी यार अपने लोको पायलट साहब की भाई, मतलब इतना ज़्यादा ओवर स्पीडिंग कौन करता है भाई। मेरे कोचेस ऐसे हिल रहे हैं ना गाइस, मैं क्या बताऊँ यार तुम्हें। ये देखो थोड़ा सा अंदर में चलते हैं, ज़्यादा हमारे लिए सेफ रहेगा। अगर बाहर में गए तब तो भाई अब पता नहीं यार, मैं गिर जाऊँगा तो काफ़ी दिक्कत होगी। एंड यहाँ पर हम थोड़ा सा कोई स्टेशन को स्किप करने वाले हैं, ज़रा देखो यार यहाँ से। एंड कोचेस का वाइब्रेशन देखो यार, मतलब इतना तो यार रियल वर्ल्ड में भी नहीं होता अगर इतना इस गेम में हो रहा है यार आज। ये देखो भाई यहाँ पर हम किसी स्टेशन को स्किप कर रहे हैं एंड ये का साइड में किसी वैप फोर के साथ में पार्सल वैन वाली फ्रेट ट्रेन खड़ी है, और ये भी इसे भी हम पार्सल वैन वाली फ्रेट ट्रेन कह सकते हैं क्योंकि भाई पार्सल वैगन की तो जा रहे हैं गाइस, तो इतना तो हम इसे बोल ही सकते हैं। एंड फाइनली ये स्टेशन को हमने काफ़ी अच्छी खासी रफ्तार में स्किप किया है, होपफुली तुम्हें पसंद आया होगा। सो बताना ज़रूर कैसा लगा भाई आज का पूरा वीडियो कमेंट्स में, ये बिल्कुल भी मत बताना मत भूलना मुझे। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती हो तो भाई एक लाइक ज़रूर से ठोके जाना एंड अगर आप यहाँ पर पहली बार एंट्री मारे हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ज़रूर से फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें लिंक मिल जाएगी, वरना आप वहाँ पर सर्च कर सकते हो यूज़र नेम मेरा ITSG_69। तो ज़रूर से आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर आप मुझसे क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं एंड मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ वहाँ पर। तो बताना ज़रूर कमेंट करके भाई वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई तो भाई एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करना। तो अभी मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और जाने के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक फॉर द वॉचिंग। और हाँ भाई इंस्टाग्राम पर ज़रूर से फॉलो कर लेना, जो यूज़र नेम है वो अभी तुम्हें जो वीडियो का मतलब स्क्रीन है उस पर तुम्हें देखने को मिल जाएगा। Only one, only one, only one.